यहाँ तक तकरीबन पहुँच गया हूँ और मेरा जो सरप्राइज़ है वो ये है, इस गार तक मैंने पहुँचना है और इसमें देखना है कि इसमें क्या है। This is the whole game. This is the whole cave. ये है पूरा गार। जी वेलकम बैक टू अखिल वेब, और आज मैं आपको ट्रेल 5 लेके आया हूँ। ट्रेल 5 में आपको मैं सरप्राइज देने वाला हूँ। और जो सरप्राइज़ है, जो चीज़ है, जो जगह है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे कोई ना गया है, ना वहाँ पे कोई रास्ता है। भाई तो ये जो केव है, ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज है और मैं कोशिश करूँगा कि इस केव तक पहुँच जाऊँ। कि लेपर्ड भी हमला कर सकता है। ओए होए जाते हुए ये रास्ता हुआ तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन ओह हो आगे तो भी ये जगह बड़ा खूबसूरत है। ओह हो आखिरकार भाई बहुत मुश्किलों के बाद मैं गार तक पहुंच गया हूँ और गार बस कुछ ही सेकंड दूर है मेरे से। ये रहा गार, इसमें लेफ्ट के घर में पहुंच गया हूँ। ये गार भाई, इस तक मैं भी जाऊंगा, ये अच्छी खबर है। ओह ये देखे, किसी ने झंडा लगाया हुआ है इधर, लेकिन हवा वगैरह बंदरों ने नीचे फेंक दी होगी। लेट्स मूव ऑन। ओह बहुत मुश्किल है भाई, यहाँ पे मुझे मोबाइल फिर से रखना पड़ेगा। भाई आखिरकार आपका भाई पहुंच गया इस जगह पे, बहुत मुश्किल था। मैं ऑलमोस्ट वापस जाने वाला था, लेकिन फिर मैंने रस्सी देखी, किसी ने यहाँ पे रस्सी बांधी हुई है, और थम्स अप टू हिम, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसकी वजह से ये जो है जर्नी पॉसिबल हुई। ओहो हम आखिरकार पहुंच गए द केव, जो कि ट्रेल 5 से आपको सामने पहाड़ में नज़र आता है, और ये है इसका पूरा व्यू, और ये है आपका जो है गार। ओए होए होए यहाँ पे पूरे एक चारपाई की जगह आ सकती है। ये देखें ये छत है, ओहो हो, और ये देखो ये है इसका बाहर वाला हिस्सा, और मतलब है कि इट इज द केव। किसी ने ये इधर एक लोहा जो है वो फिक्स की है इस राख में, किसी ने लोहे को मुश्किल गुजरा है। ओए होए होए पहुंच गया, काम हो गया भाई, बड़ा मुश्किल था, काफ़ी सफ़र तय करना पड़ा, और रोज़ा भी है, वापस अफ्तारी के लिए भी पहुंचना है। और तो हमने देख लिया जिसे काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट एक छोटे कमरे जितना है, और आप स्टे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है भाई, हर कोई इधर नहीं आ सकता, सिंपल एंड स्ट्रेट। आखिरकार मैं इस गार से वापस आ गया हूँ, ट्रेल पे पहुँच गया हूँ, बहुत थका दिया। ये जो रास्ता आपको दिख रही ना, ओहो हो इतना डिफिकल्ट, एक रोज़ा फास्ट के साथ, रोज़े के साथ जब आप जाते हो ना, नो वाटर, नथिंग, नो एनर्जी ड्रिंक्स, नो बिस्किट, नो नथिंग। हाथ थोड़े बहुत ज़ख्मी हुए हैं झाड़ियों में, लेकिन आई अचीव्ड इट, आई वॉच्ड इट, और मैंने देख लिया गार को,
और वापस आ गया। अब मैं यहाँ पे एंड करने वाला हूँ ट्रेल 5 पे वापस जाते हुए। तो इस चीज़ को देखते हुए सपोर्ट लाजमी करें, सब्सक्राइब लाइक शेयर करें।